नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। अभी हम दिल्ली के हरकिशन सिंह सुरजीत भवन पर हैं, जहां पे लेफ्ट पार्टीज ने आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी ताकि वो जहांगीरपुरी हिंसा में कि जो पूरे में जो अपना पक्ष है उसको रख सके। लेफ्ट पार्टीज़ का एक डेलीगेशन जो है जहांगीरपुरी में स्थानीय निवासियों और पुलिस अधिकारियों से मिलने के लिए गया था 17 तारीख को, उसके बाद में उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। जब हम लोग वहाँ पे गए सी ब्लॉक के अंदर, तब वहाँ लोगों के बीच में जब महिलाओं के बीच जाके बातचीत की, कुछ लड़कों से बातचीत की, नौजवानों से बातचीत की, कुछ बुज़ुर्गों से बातचीत की, तो उन्होंने साफ बात ये कहा कि इतने साल हो गए यहाँ पे, हम पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं इसी ब्लॉक के अंदर, और पास में सटा हुआ हिंदुओं का भी घर है, और हमारा पूरा एक बहुत अच्छा भाईचारा है। त्योहारों में वो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर आते हैं। वहाँ मस्जिद के साथ में एक मंदिर है, वो मंदिर में उसको बनवाने में भी कुछ मुसलमान जो लड़के हैं उन्होंने कहा कि हमने इनमें इसमें काम किया। तो हमारा तो एकदम लगातार हम भाईचारे की तरह रहते हैं, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम कहीं हमारा मन मुटाव हुआ हो किसी बात पे भी। जो उन्होंने ये भी हवाला दिया कि नॉर्थ ईस्ट में जब दंगे हुए थे, उन दंगों के दौरान पूरी दिल्ली के अंदर दहशत थी, CANRC के जब धरने चले थे उस दौरान भी हमारा पूरा हमारा भाईचारा रहा। और ये जो नमाज के समय पर जिस तरीके से जो RSS और बजरंग दल के लोग जो दो बार तीन बार तीन राउंड पे वो घूम घूम के उसी क्षेत्र को टारगेट किया, क्योंकि सी ब्लॉक एक बहुत बड़ा मुस्लिम तबका वहाँ पे रहता है, मजदूर मुस्लिम बस्ती है, बंगाल से आए हुए लोग हैं वहाँ पे, और रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, वो इतना गरीब बस्ती उस अंदर है। तो ये जो वहाँ पे पूरे महिलाएं दहशत में हैं, बच्चे दहशत में हैं, उन्होंने कहा कि हम देखो हम अपने धर्म को मान रहे हैं, हम उनके धर्म को कुछ नहीं कहते हैं, हाँ इस तरीके से ये धर्म सबके अपने अपने हैं, इस तरीके से सब महिलाओं ने ये बात की, और हमें अच्छा भी लगा कि ये जो जिस तरीके से वो महिलाएँ अपनी बात कह रही हैं, तो अपने धर्म की अपने सब करो, आप अपने धर्म में जय श्री राम कर रहे हो, हमें क्या प्रॉब्लम थी, वो कर रहे थे, लेकिन हमारी मस्जिद के सामने झंडा लगाने की या अंदर घुस के तोड़फोड़ करने का इस तरीके से ये काम कर रहे हैं, बड़े तेज से आवाज़ करके DJ की और जय श्री राम करें, और फिर कहें कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, तो इस तरीके के जो स्लोगन वहाँ दिए गए वो भड़काऊ स्लोगन थे। तो हमने अब फिर वहाँ जब महिलाओं से बातचीत करके देखा कि हमारे उन्होंने कहा कि हमारे आदमी हमारे बच्चे जो मजदूरी कर रहे हैं, जो किसी दूसरे इलाके में काम करने जाते हैं, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई रेहड़ी लगाता है, कोई कुछ लगाता है, आज वो उस मार्केट को पूरा वो बंद कर रखा है पुलिस ने, तो उनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ा है, जो वो रोज़ सब्जी के मार्केट लगा के वो अपना पेट पालते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय भी मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर देखा जाए तो दो तरह का ये है, एक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट था, और यहाँ पर वो माइक्रो लेवल नहीं था, वो मैक्रो लेवल, और ये डिफरेंस आपको बहुत साफ साफ दिखाई देगा कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट में अगर शिव बिहार का अगर की घटना देखिए तो एक हिंदू का घर बचा हुआ है और मुसलमानों के घर चुन चुन के उड़ाए हुए हैं। जिस तरह का सेलेक्टिव ट्रीटमेंट वहाँ हुआ, वो सेलेक्टिव ट्रीटमेंट यहाँ वो प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये एक नेशन वाइड जो राष्ट्रीय स्तर पर जो एक घटनाक्रम चल रहा है, और उस घटनाक्रम में बहुत स्पष्ट रूप से बढ़ती हुई महंगाई आम लोगों की बात में उभर के सामने आ रहा है। जिस तरह से बेरोजगारी है, हर घर में बेरोजगारी है, अब ये सरकार उन सवालों का जवाब देने के लिए उसके पास है नहीं, ऐसी स्थिति में पूरे नैरेटिव को कन्वर्सेशन को ही बदलने का एक जो मैक्रो मैनेजमेंट है उसी का हिस्सा है जहांगीरपुरी की घटना, जो रामनवमी से शुरू होके हनुमान जयंती तक आता है, और सेम पैटर्न जिसमें हुजूम के साथ हथियार के साथ लामबंद होके पुलिस के संरक्षण में मस्जिद पर हमला, मस्जिद के ऊपर जाके माइनॉरिटी के बीच में जाके नारेबाजी, एक सेट पैटर्न। देखो जो कल का घटनाक्रम है वो साफ पता लगता है कि वो प्लानिंग करके किया गया है।
अगर उस जलूस में ये खुकरी, इतनी सारी तलवारें और इतने वेपन से 5 इंच से बड़े ब्लेड के, तो ये पुलिस प्रोसीजर के हिसाब से इनके जलूस को शुरू ही नहीं होने दिया जा सकता था। 5 इंच की कृपान सिर्फ, 5 इंच की कृपान सिर्फ सिखों को अलाउड है कैरी करने में, वो भी कवर में, कवर के बिना वो उसको कैरी नहीं कर सकते। और ये नंगी हैं सब, ये देखिए कुछ तलवारें कवर में, बाकी सब नंगी हैं। तो ये जो हरकत है ना, इससे शक ये होता है कि जब आप अरेस्ट कर रहे थे तो ये कैसे मान लें कि इतने सारे ये फेस आपको दिल्ली पुलिस की नज़र में नहीं आए। इसका मतलब ये है कि ये कंसंट्रेटेड एफर्ट था कि 3 जलूस निकाले जाएंगे, रोजे के वक़्त मस्जिद पे पहुंचा जाएगा और मस्जिद पे पहुंच के वहाँ पे हंगामा किया जाएगा और उसको ये दिखाया जाएगा कि शोभा यात्रा पे हमला हुआ है, जबकि फैक्ट उसका रिवर्स है कि आपने अनलाइसेंस वेपन्स के साथ आपने जलूस को परमिट किया है और उसको मस्जिद तक जाने कैसे दिया, आपने रास्ते में ही क्यों नहीं डिटेन किया उनको। देखिए अभी तक ये रवायत नॉर्थ ईस्ट में राइट से पहले दिल्ली में जब भी कम्युनल दंगे हों इसकी एक रवायत रही है, क्योंकि 45 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि जब भी ऐसे दंगे होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर फौरन शांति और सौहार्द के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक जॉइंट मीटिंग बुलाते हैं, जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, चाहे उनके MLA हैं या नहीं हैं, कॉरपोरेटर हैं या नहीं हैं, उनकी एक मीटिंग बुला के और वो अपील करते हैं, उसमें पुलिस कमिश्नर और सारे ऑफिशियल्स होते हैं। उसके बाद फिर वो ज़िले में एक मीटिंग बुलाते हैं, वहाँ पे एक पीस कमेटी बनाई जाती है। समझ में नहीं आ रहा कि वो पीस कमेटियाँ क्यों नहीं बनाती है दिल्ली पुलिस, समझ में नहीं आ रहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वो मीटिंग क्यों नहीं बुलाते। इससे ये शक होता है कि दिल्ली की जो सरकार है उसका जो स्टेटमेंट है वो वन साइडेड है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी ठीक से एक्ट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली जब हम लोगों का वहाँ डेलीगेशन गया तो वहाँ के प्रत्यक्ष दर्शियों ने जो हम लोगों को बताया और बाद में जिसके कि वीडियो एविडेंस भी आज मीडिया में आ चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो बात सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है वो खुद दिल्ली पुलिस की भूमिका है। वहाँ पर केवल एक जुलूस नहीं निकला था बल्कि उस दिन 3 जुलूस निकले थे। आप सोचिए कि एक ही इलाके में हनुमान जयंती के 3 जुलूस निकलते हैं 3 अलग अलग समय पर। पहला जुलूस दोपहर में निकलता है, दूसरा जुलूस दोपहर के थोड़ा बाद निकलता है और तीसरा जुलूस तो आप सोचिए शाम के 6 बजे के बाद निकलता है, जब रोज़ा टूटने का समय होता है। और ये जो तीसरा जुलूस निकलता है, इस जुलूस का रूट अगर आप देखिए तो जहांगीरपुरी के और किसी हिस्से में वो नहीं जा रहा है उतना, वो जा रहा है उस मस्जिद की तरफ जहां पर रोज़ा तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, वहाँ पर वो जो है वो जुलूस जा रहा है। इसलिए हमारा ये मानना है कि दिल्ली पुलिस इन जुलूसों में, तस्वीरों में, तमाम जगहों पर दिखाई दी है कि दिल्ली पुलिस वहाँ पर है, लेकिन आप सोचिए एक ऐसा जुलूस जिसके अंदर हथियार लहराए जा रहे हैं, जिसमें पिस्टल दिखाई दे रही है, तलवार दिखाई दे रहे हैं, लाठियाँ दिखाई दे रही हैं, बेसबॉल बैट दिखाई दे रहे हैं, ऐसा एक जुलूस निकालने की किस तरह से परमिशन दी जा रही है। और केवल परमिशन ही नहीं दी जा रही है बल्कि उसका समय, उसका रूट, सब कुछ ऐसा है जो कायदे से कानूनी तौर पर आप देखेंगे तो बिल्कुल गलत है। हम सभी लोग जानते हैं दिल्ली में कल ही हमारा प्रदर्शन है, पता नहीं होने देंगे या नहीं होने देंगे। दिल्ली के भीतर आप कोई प्रदर्शन कर लीजिए, किसी भवन पे चले आइए, यूपी का मामला यूपी भवन चले आइए, गुजरात का मामला हो गुजरात भवन चले जाइए, 10 मिनट भी दिल्ली पुलिस प्रदर्शन नहीं करने देती है। लोगों को उठा करके डिटेन करके कहीं तुगलक रोड थाने, कभी मंदिर मार्ग थाने, कभी जो है वो पार्लियामेंट थाने लेके चली आती है। लेकिन एक जुलूस सुबह से निकले जा रहा है, 3-3 बार निकल रहा है, उसमें हथियार लहराए जा रहे हैं, वो मस्जिद की तरफ जा रहा है, शाम में 6 बजे जा रहा है जब वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा है और उनको पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की भूमिका इसमें बहुत बड़े संदेह के घेरे में है। हमारा तो यही मानना है कि दिल्ली पुलिस इसकी जाँच ना करे बल्कि दिल्ली पुलिस की भूमिका की जाँच होनी चाहिए इन 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 जहांगीरपुरी की घटना में, उसके उत्तरदायित्व को तय किया जाना चाहिए। और जांच तो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर जज करें और खुद उस दायरे में इस घटना की जांच हो, लिहाजा साथ दिल्ली पुलिस की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।